on a hob, a cold draught coming in from a window, the metal heating element in a kettle getting warm. तो ये हमारे कंडक्शन के हो गए. इसी तरीके से कन्वेक्शन में देखेंगे हीट एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है विद इन दी फ्लूइड और यहाँ पे क्या होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा. ठीक है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगा. और इसी तरीके से रेडिएशन फिनोमिनन में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट हमारा सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा. कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा. और दूसरी बात मीडियम हीट नहीं होगा, मीडियम हीट नहीं होगा. ठीक है तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हीट ट्रांसफर का टाइप्स हमने समझ लिए, उनकी उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने बात कर ली. अब हम लोग अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस कि हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है. तो इलेक्ट्रिक हीटिंग अगर देखा जाए तो स्पेस हीटिंग में यूज होती है, फर्नेसेस में यूज होती है, बॉयलर्स में यूज होती है, रेडिएंट हीटिंग में इसका एप्लीकेशन है. और जो हीट पंप्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल को ड्राइविंग मैकेनिज्म में लाती है, तो वहां पे भी हीट पंप्स में भी हम लोग इलेक्ट्रिक हीटिंग का एक प्रोमिनेंट रोल है. एडवांटेजेस लेते हैं, एक एक एडवांटेज को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर बिल्कुल हम लोग का बेस क्लियर हो जाएगा तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस में क्लीनलीनेस के बारे में बात हो रही है. क्लीनलीनेस से हम लोग क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर देखा जाए, एक मिनट बैक करते हैं इसको. सबसे पहले हम लोग टॉपिक में क्लीनलीनेस के बारे में बात करेंगे. तो देखिए क्लीनलीनेस से इंटरप्रिटेशन ये है कि समझिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी कन्वेंशनल सोर्स तो यूज नहीं कर रहे हैं. जब कन्वेंशनल कोई सोर्स नहीं है या फिर फ्यूल उस तरीके का नहीं है, ना कोल है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कोई डस्ट भी नहीं होगी, कोई ऐश भी नहीं होगी. ठीक है तो जब कोई डस्ट नहीं होगी, ऐश नहीं होगी, तो सराउंडिंग क्या रहेगी, क्लीन रहेगी. ठीक दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं एब्सेंस ऑफ फ्लू गैसेस. जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर कन्वेंशनल फ्यूल ही नहीं, कोल नहीं है, तो फ्लू गैसेस भी नहीं प्रोड्यूस होंगी. तीसरा पॉइंट क्या है, ईज ऑफ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इजिली है और फास्ट भी है. चीप फर्नेसेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चिमनी, चिमनी की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लू गैसेस का कोई रोल ही नहीं है. ठीक है बेटर वर्किंग कंडीशन यहाँ पे मिलेंगे आपको. ठीक है क्यों, बेटर वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैन पावर की उतनी जरूरत नहीं है. तो कम मैन पावर में, अच्छे एनवायरमेंट में, क्लीन एनवायरमेंट में चीजों को किया जा सकता है. तो यहाँ पे बेटर वर्किंग कंडीशन है. ठीक ईज ऑफ एडाप्टेशन भी है यहाँ पे. वेरी हाई एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन. वेरी हाई एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए, अगर हमने सपोज किया कि जो हमारे नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग है, जैसे नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग मैकेनिज्म के थ्रू अगर एफिशिएंसी हमको ऑब्टेन हो रही है, तो वहां पे जो एफिशिएंसी ऑब्टेन होगी वो बेसिकली आपको उसकी रेंज क्या होगी, 40-60%. बट अगर आपने इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूटिलाइज किया, ठीक है इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूटिलाइज किया, तो यहाँ पे आप एफिशिएंसी आपको मिल सकती है 75% to 100%. ठीक है तो याद रखिए जो यहाँ पे एफिशिएंसी है यूटिलाइजेशन की बहुत ज्यादा है, 75% to 100%. और एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर की जरूरत नहीं है. ठीक यूनिफॉर्म हीटिंग. यूनिफॉर्म हीटिंग का मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक हीटिंग का मैकेनिज्म होगा, सब्सटेंस पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली हीट होगा. ठीक है चाहे वो कंडक्टिंग हो या फिर वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो, बट वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली ही हीट होगा. ठीक उसके बाद अगला कंसिडरेशन ले लेते हैं कि हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी पॉसिबल है और उसकी भी हीटिंग क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. ठीक अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशंस ले लेते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के. इलेक्ट्रिक हीटिंग में देखिए दो तरीके के कैटेगराइजेशन है, एक पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग है और एक हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है. पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई होगी और वोल्टेज सप्लाई के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 50 हर्ट्ज. और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी, मोर देन 50 हर्ट्ज के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है
उसके बाद पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में रेजिस्टेंस हीटिंग आएगी, आर्क हीटिंग आएगी, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग आएगी, और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आएगी और इंडक्शन हीटिंग आएगी। रेजिस्टेंस हीटिंग की दो कैटेगराइजेशन है, एक है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। और आर्क हीटिंग के दो कैटेगराइजेशन है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, ठीक। और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग को भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आएगी और इंडक्शन हीटिंग आएगी, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन है और कैटेगराइजेशन है हीटिंग मेथड्स के। रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो अगर सबसे रिक्वायरमेंट का कंसिडरेशन लिया जाए तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हमारा यहाँ पे है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है कि अगर हाई मेल्टिंग के पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि विदस्टैंड कैपेसिटी जो है हाई टेम्परेचर की वो हमारे पास ज्यादा रहे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इट शुड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट कैन विदस्टैंड फॉर हाई टेम्परेचर। अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर विल नॉट डिस्ट्रॉय द एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे विदस्टैंड कैपेबिलिटी जो भी एलिमेंट की है वो टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर टी से प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीटिंग एलिमेंट क्या हो, हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, स्टेबिलिटी इन एटमोसफियर। स्टेबिलिटी इन एटमोसफियर का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टेबिलिटी का मतलब किसी भी तरीके का कोरोजन नहीं है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। कोरोजन का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि अगर हम कोई हमारा एलिमेंट है अगर वो एक्सपोज करता है एटमोसफियर में, ठीक है, या फिर कोई केमिकल फ्यूल में, तो कोरोजन फिनोमिनन वहां पे ना हो, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, रेजिस्टेंस टू थर्मल एंड मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। रेजिस्टेंस टू थर्मल एंड मैकेनिकल लॉसेस, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जैसे कोई मटेरियल है तो अगर हीटिंग एलिमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, और वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस अगर हो रहे हो तो उनको बियर कर सके, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, रेजिस्टिविटी शुड बी लार्जर। रेजिस्टिविटी शुड बी लार्जर का मतलब क्या है? हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टिविटी हायर होगी तो मटेरियल शुड, देखिए कोई भी मटेरियल होगा या एलिमेंट होगा तो इट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या होगा कि सपोज फॉर अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ वायर देयर माइट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, तो वहां पे अगर इस तरीके का कोई रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल हो सके, इसलिए रेजिस्टिविटी को लार्जर होना जरूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यही है बेसिकली, ठीक है। और एक पॉइंट मैं अगर इसमें और ऐड कर दूं तो वो पॉइंट मैं लिख सकता हूं, सपोज करिए वो पॉइंट है हमारा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर कोफिशियंट, लो टेम्परेचर कोफिशियंट, ठीक, ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी चीज एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और एज सच फ्री फ्रॉम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो सकता है और इकोनॉमिकल है ये, तो ये रिक्वायरमेंट हीटिंग एलिमेंट्स के हैं हमारे, ठीक। अगला कंसिडरेशन लेते हैं। अब देखिए कुछ अवेलेबल मटेरियल है जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हमको अवेलेबल मटेरियल वाली स्लाइड को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम होने चाहिए कि जो मटेरियल हीटिंग एलिमेंट के होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है, क्या सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, कितना ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो मटेरियल कॉमनली यूज होते हैं हीटिंग एलिमेंट की तरीके से, क्या वो किसी पर्टिकुलर एलॉय के बने होते हैं, जैसे निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम आयरन, निकल क्रोमियम अल्मोनियम, निकल कॉपर, तो ये सब क्या है एलॉय है और इनसे भी हमारा हीटिंग एलिमेंट बन रहा है, ठीक है। इसमें से हाँ, उसके बाद हमको देखना है कि जितने भी एलॉय के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उनमें से कौन सा एलॉय चीपर है, ठीक है, ये भी कंसिडरेशन में लेना रहता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉमर्शियल हीटिंग एलिमेंट्स मटेरियल अवेलेबल है वो लो टेम्परेचर से लेकर मीडियम टेम्परेचर रेंज तक आते हैं, और ये जो टेम्परेचर रेंज है
1200 डिग्री सेल्सियस तक यूज होती है। और ऐसे जो अलॉय है वो दो इंपॉर्टेंट अलॉय है, याद रखिएगा, निकल और क्रोमियम, और दूसरा है निकल क्रोमियम और आयरन कंपोजिशन के। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी कैटेगराइजेशन क्लियरली बता रखा है, आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे मेटेलिक अलॉय है जिसमें आयरन क्रोमियम और अल्मोनियम, नाइक्रोम से अगर जुड़े होंगे तो निकल आयरन और क्रोमियम, रिफ्रैक्टरी मेटल्स में टंगस्टन मॉलिबेडनम टेंटेलम, और नोबल मेटल में प्लेटिनम प्लेटिनम रोडियम, और नॉन मेटेलिक का कंसिडरेशन लिया जाए तो सिलिकॉन कार्बाइड और मॉलिबेडनम डाई सिलिकाइड। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक। तो इसमें से आप चीज ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट मैं और जो एलॉयज है उनके बारे में भी लिख देता हूँ, जो कि आपको हेल्प करेंगे अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे एलॉय है हमारा, निकल से ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक। तो निकल एक हो जाएगा, निकल क्रोमियम के साथ बनाएगा, ठीक। दूसरा क्या होगा, निकल क्रोमियम और इसके साथ और क्या जुड़ जाएगा, अल्युमिनियम जुड़ जाएगा, ठीक है। निकल क्रोमियम अल्युमिनियम जुड़ जाएगा, एल्यूमिनियम एल्यू एल्यूमिनियम थोड़ा सा पेन यहाँ पे कॉर्नर साइड पे चल रहा है तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, AlumInum, ठीक है। तो एक एलॉय क्या हुआ, निकल क्रोमियम का हुआ, दूसरा क्या हुआ, निकल क्रोमियम और एल्युमिनियम का हुआ। इसी तरीके से एक और होगा, निकल क्रोमियम और हमारा क्या हो जाएगा, आयरन, निकल क्रोमियम और आयरन, ठीक। तो निकल क्रोमियम अल्मोनियम, निकल क्रोमियम और आयरन, ठीक है। और कॉमर्शियली अगर यूज किए, कॉमर्शियली हम बात करें तो कॉमर्शियली अल्मोनियम वाला हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग कौन सा यूज करते हैं, निकल क्रोमियम आयरन वाला यूज करते हैं, और निकल क्रोमियम तो ये हमारा कॉमर्शियल यूज है, और ये भी तीसरा वाला भी कॉमर्शियल यूज में आता है, ठीक है। और बाकी आपके सामने है, इन सबके नाम है, आप इनसे इन पर्टिकुलर मेटेलिक एलॉयज को जोड़कर आप पर्टिकुलर जो भी हीटिंग एलिमेंट है उसके बारे में आप जज कर सकते हो कि किस तरीके का हीटिंग एलिमेंट है, क्या सर्विस कंडीशन है, क्या मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है, और तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। बस याद रखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जैसे आपको ये भी अगर बहुत डीपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे आपसे डीपर क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि अगर आपने निकल और क्रोमियम का एलॉय बनाया, ठीक है, और इसको हीटिंग एलिमेंट की तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इसमें निकल का कंटेंट कितना होगा। तो याद रखिएगा, निकल का कंटेंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा, ये 80%। तो क्रोमियम कितना हो जाएगा, 20%। इसी तरीके से दूसरा कोई कॉमर्शियल यूज लेते हैं, जैसे दूसरा मैंने आपको बताया था निकल, ठीक, क्रोमियम और आयरन। अब इसमें इन तीनों को कंपोजिशन पूछ ले, अब इतना जैसे इतना डिटेल में पूछेगा तो निकल क्या है, 60%, ठीक। क्रोमियम में कितना होगा, 16%, और आयरन कितना होगा, 24%, ठीक है। तो इस तरीके के अलॉय हैं। इसी तरीके से निकल कॉपर का बन सकता है, आयरन क्रोमियम एल्युमिनियम का बन सकता है, ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और बताना चाहता हूँ आपको कि कभी कभी एग्जाम में या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे वहां पे कॉमर्शियल नेम होते हैं कुछ अलॉयज के, कॉमर्शियल नेम अलॉयज के होते हैं, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक। तो मैं उन कॉमर्शियल नेम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कभी इस तरीके के नाम अगर आपके सामने आए तो वो किस चीज के अलॉय होंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले कभी आपको इस तरीके का वर्ड सुनाई दे, यूरेका, ठीक, यूरेका वर्ड के बारे में सुनाई दे, तो ये कॉमर्शियल नेम है। और ये यूरेका जो होगा, बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें मिली होंगी, तो ये याद रखिएगा, ये निकल और कॉपर का बना रहता है, ठीक, निकल और कॉपर का, ठीक है। निकल, अगर निकल का कंपोजिशन देखा जाता है इसमें, तो इसमें निकल का कंपोजिशन रहता है 45% और कॉपर का कितना रहेगा, 55%। तो ये यूरेका करके इसको बोला जाता है, या फिर कभी कभी यूरेका की जगह इसका नाम कुछ इस तरीके से रख देते हैं, कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंटेन।
तो याद रखिएगा कॉमर्शियल नेम क्या होगा, यूरेका या कॉन्स्टेंटन, और निकल और कॉपर का बना रहेगा, 45% निकल का कंटेंट और कॉपर देखा जाए तो कॉपर में बेसिकली 55%। ठीक, इसी तरीके से एक तो नाम आपके सामने ये है, दूसरा कभी कभी नाम यूज हो सकता है, दूसरा नाम कभी कभी बोलते हैं कांथल, कांथल नाम वर्ड आपको सुनाई देगा। ठीक, तो कांथल बेसिकली देखा जाए तो कांथल में क्या होता है, ये किस चीज का बना रहेगा, इसमें आयरन होगा, ठीक, क्रोमियम होगा और अल्मोनियम होगा। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, आयरन, क्रोमियम और अल्मोनियम, अल्मोनियम का सिंबल Al रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अल्मोनियम का सिंबल Al। अब कांथल में आयरन का कंटेंट कितना रहेगा देखा जाए तो 70% आयरन रहता है, क्रोमियम का कंटेंट देखा जाए तो 25% क्रोमियम रहता है, और अल्मोनियम का कितना परसेंट रहता है, 5%। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यूरेका कांथल मैंने बता दिया, और नाइक्रो इतना ही ज्यादातर आपको बेसिकली आपका यही यूज होता है। ठीक है, एक यूरेका आएगा या कांथल, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि अगर टेम्परेचर रेंज पूछा जाए, यूरेका का टेम्परेचर रेंज क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यूरेका का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है और कांथल का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, तो जो यूरेका है तो यूरेका का जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर है याद रखिएगा ये 400 डिग्री सेल्सियस ही तक काम कर सकता है, बट जो ये कांथल है, कांथल का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर अगर देखा जाए तो ये, एक मिनट, हाँ, ये इसका जो टेम्परेचर होगा मैक्सिमम ऑपरेटिंग वो 1200 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में याद रखिएगा अगर कांथल के बारे में बात होता है, कंपोजिशन मालूम है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी पर्टिकुलर कॉमर्शियल यूज जो अलॉयज हैं, दो जो कॉमर्शियल यूज अलॉयज बताए थे मैंने आपको, एक कॉमर्शियल यूज अलॉय क्या था, निकल और क्रोमियम का था, अगर इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, 1150 डिग्री सेल्सियस, एक कॉमर्शियली यूज ये था, और दूसरा एक हम लोगों ने कॉमर्शियली यूज बताया था निकल, क्रोमियम और आयरन, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर देखा जाए तो 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कॉमर्शियली यूज है, बट इन कॉमर्शियली यूज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर किसका है, कांथल का है। ठीक, कांथल के बाद क्या होगा, निकल क्रोमियम आएगा, निकल क्रोमियम के बाद निकल क्रोमियम आयरन आएगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, लास्ट में यूरेका आएगा। ठीक है, यूरेका आएगा, बस खास बात क्या होती है यूरेका की, याद रखिएगा यूरेका अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ जाए किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो यूरेका की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर देखा जाए तो 8.88 रहती है, ये यूरेका की स्पेसिफिक ग्रेविटी है सबसे ज्यादा जितने भी अभी मैंने आपको बताए, एक दो, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ये चार जो बेसिकली अलॉय है इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होगी, यूरेका की होगी। ठीक है, तो बस इतना ही अवेलेबल मटेरियल्स के बारे में है कॉन्सेप्ट। अगली स्लाइड पे आते हैं, तो अगली स्लाइड पे हम लोग ये जानते हैं कि फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, पावर फ्रीक्वेंसी, जिसमें पावर फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 50 या 60 हर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी मेथड में जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं तो 5 से 500 किलो हर्ट्ज, माइक्रोवेव हीटिंग के बारे में बात करते हैं तो 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर ±300 गीगाहर्ट्ज, हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें इंडक्शन हीटिंग आती है, दो तरीके की है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायलेक्ट्रिक हीटिंग आएगी। ठीक है, इसी तरीके से इंफ्रारेड, रेडिएंट और रेडिएंट हीटिंग, और पावर फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग, और नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हीटिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आज जो हम लोगों ने सीखा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा हमें आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहली चीज ये सीखी कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के यूज क्या होते हैं, तो डोमेस्टिक में, इंडस्ट्रियल में। उसके बाद हम लोगों ने देखा हीट ट्रांसफर के कितने मोड होते हैं, उसमें हमने ये देखा कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसके बाद कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है,
ठीक है। उसके बाद रेडिएशन में देखा कि सोर्स से सब्सटेंस में हीट ट्रांसफर होगी, मगर मीडियम में कोई भी हीट, मीडियम जो भी होगा वो हीट नहीं होगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के तीनों कैटेगरी के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भी मैंने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने एडवांटेजेस पढ़े इलेक्ट्रिक हीटिंग के, ठीक, इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस को क्लियरली समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा कि इलेक्ट्रिक हीटिंग कितने तरीके की होती है। उसके बाद हम लोगों ने मटेरियल यूज्ड में काफी अच्छे से समझा कि यूरेका क्या होता है, कांथल क्या होता है, यूरेका और कांथल के जो एलॉयज हैं उनका कंपोजिशन क्या है, यूरेका का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 400 डिग्री सेल्सियस, कांथल का मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसी तरीके से हमने तीसरी कैटेगरी देखी निकल और क्रोमियम की, और निकल क्रोमियम आयरन की जो कि कॉमर्शली यूज्ड है, और इनकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो 1150 डिग्री सेल्सियस और 950 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। रिफ्रैक्टरी मेटल्स, नोबल मेटल्स, नाइक्रोम और मेटेलिक अलॉयज के बारे में अच्छे से समझा। नॉन मेटेलिक जो है जैसे सिलिकॉन कार्बाइड और मॉलीबेडनम डाइसिलिकाइड, इनके बारे में जाना कि ये भी एग्जाम्पल्स है। इतना आज हमने सही से समझा। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को लिया और इलेक्ट्रिक हीटिंग को फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्लासिफाई किया। अब अगले पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट हीटिंग के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। देखिए, स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट आपका बिल्कुल नया है और अभी इलेक्ट्रिक हीटिंग को बेसिक्स से बिल्कुल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तब एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने लेक्चर को बिल्कुल धीरे धीरे आपको एक एक चीज को कवर अप करके समझाया, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।